Hello everyone, I am Sujawal Jagga. I have secured All India Rank 84 in UPSC Civil Services Exam 2021. Before that, I had secured Rank 7 in Punjab Civil Services Exam 2020, which means uh, during this attempt I, were, I was already working with the Government of Punjab. Uh, I am a qualified Chartered Accountant of May 2018 batch, and after that, I had started working with the corporate sector both in India and then abroad in Tokyo, Japan and then i took a decision came back to india and then started preparing uh, for civil services exam in june 2019 since my optional was commerce and accountancy and uh, in my opinion i believe that uh, there is a huge bottleneck uh, in this optional in terms of availability of solutions to the previous year questions so i take this opportunity uh, to share uh, my opinion structures thought process or answer writing technique

एंड देन उसी पर वन वन पेजर नोट्स बना लिए एंड देन जो अभी ट्वेंटी ट्वेंटी टू में पेपर आया आई हैव शेयर दैट पी डी एफ द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो आई हैव शेयर दट दैट ऑन माई टेलीग्राम चैनल तो जैसे भी आपको फिजिबल uh, हो यू में प्लीज डाउनलोड इट एंड हैव अ लुक तो यू विल रियलाइज कि आउट ऑफ फोर हंड्रेड मार्क्स का पेपर मोर देन थ्री हंड्रेड मार्क्स पेपर इज डायरेक्टली एंड प्लेनली फ्राम द सिलबस डायरेक्टली सिलेबस का टर्म उठाइए उसका सिंपल उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया

एम्प्लॉइज़ आर मोटिवेटेड कोई मोटिवेशन की थ्यूरी लैद्स लोग के की है वो गोल सेटिंग थ्यूरी कि मेजरेबल गोल्स होते हैं पर्सन इज़ मोटिवेटेड तीन चार वो बेनिफिट लिखो देन तीन चार लिमिटेशन लाइक एडवर्ड डेमिंग यूज टू से एम बी ओ से क्या होता है कि देयर माईट बी ए गोल डिस्टोरेशन कि पीपल स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन द मेजरेबल आस्पेक्ट्स और द पेपर वर्क इंक्रीज और ह्यूज नॉलेज प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड देन आप यहाँ पे मैक ग्रेगर की थ्योरी एक्स यूज कर सकते हो दैट पीपल आर नॉट सो मोटिवेटेड टू अचीव हायर गोल्स तो उनको बस जो कहा जाए वो उतना ही करना चाहते हैं तो एम बी ओ इज़ नॉट फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल तो वो तीन चार लिमिटेशन लिखी उसके बाद यू में इफ़ यू हैव द स्पेस तो एक दो आप वे फॉरवर्ड लिखो नहीं है स्पेस तो कंक्लूजन को ही आप फ्यूचरिस्टिक बनाओ दैट विद यूजिंग गुड लीडरशिप विजनरी लीडरशिप रिटर्न डाउन पॉलिसिज एम बी यू कैन बी एज सक्सेस राइट वट आई यूज टू डू इज कि मैं इसको किसी ना किसी कार्पोरेट एग्जाम्पल सिंस आई हैव ऑलरेडी शेयर की मैं ऑलरेडी कारपोरेट में काम कर चुका हूँ तो आई वुड गि एन एग्जाम्पल ऑफ पी डब्ल्यू सी आई है डन माई आर्टिकल शिफ्ट फ्रॉम पी डब्ल्यू सी कि पी डब्ल्यू सी में क्या होता था अन एम्प्लॉई यूज टू डिक्लेयर हिज ओन ग टॉप डाउन गोल सेटिंग नहीं होती थी तो हम गोल डिक्लेयर करते थे मैनेजर यूज टू अप्रूव इट कि ठीक है यही गोल्स एंड देन आफ्टर एन ईयर दोज गोल्स यूज टू बी दिक फॉर आर परफॉर्मेंस एप्रेजर तो आप वैसे वाला कॉर्पोरेट एक्जाम्पल से भी कंक्लूड कर सकते हो कि दिस सच टाइप ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस कैन बी अपलाइड इन अदर ऑर्गनाइजेशन ऑल्सो देन अगेन मेट्रिक स्ट्रक्चर ब्रेक्स द यूनिटी ऑफ कमांड मेट्रिक स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सिलेबस में दिया हुआ है और मैट्रिक स्ट्रक्चर की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ही यूनिटी ऑफ कमांड की है तो आप मेट्रिक स्ट्रक्चर की इसमें टेन मार्क्स का डेफिनेशन लिखो मैट्रिक स्ट्रक्चर एक डायग्राम बनेगा वो ग्रिड वाला ठीक है

बट सिंस ये येन मार्क्स का है तो आपको इसको एक्सपेंड करना है कि जब रिक्रूटमेंट होती है तब भी हायरिंग अपना लाइन मैनेजर ज़्यादा देखता है बट यूज उसे एम्प्लॉई को जो काम करवाना है वो प्रोजेक्ट मैनेजर करवाता है देन परफॉर्मेंस अप्रेजल में काम प्रोजेक्ट मैनेजर ने करवाया रेटिंग उसकी लाइन मैनेजर से होगी एंड देन सिमिलरली दो तीन पॉइंट्स आप और क्रिएट कर सकते हो एंड देन द ट्वेंटी परसेंट और ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द सेकेंड पेज कैन बी यूज एज अ फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड दैट हाउ दिस कैन बी सॉल्व एंड अगेन अब पी डब्ल्यू सी के एग्जाम्पल रादर दैन राइटिंग द वर्ड पी डब्ल्यू सी आई माइट राइट ई वाई के पी एम जी डेलोइट वट एवर कि वहाँ पर क्या होता है सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स होते हैं रिटर्न डाउन पॉलिसीज होती हैं एंड देन द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑल्सो हैज से इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्पलॉयी तो दैट इज हाउ मेट्रिक स्ट्रक्चर की यूनिटी ऑफ कमांड की लिमिटेशन कैन भी ब्रोकन राइट देन क्रिटिकली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेड क्रिटिकली डिस्कस क्रिटिकली मतलब बहुत प्लस एंड माइनस पर्सनैलिटी पर जी डब्ल्यू एलपॉट की डेफिनेशन है डायनोमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज इंडिविजुअल सिस्टम्स डिटरमिन द यूनिक एडजस्टमेंट टू हुज इन्वायरमेंट वो सब लिखा देन पर्सनैलिटी में वट आई यूज टू डू वस कि एक डायग्राम बनाने बनाना है पर्सनैलिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तो उसमें आइसबर्ग वाला वो डायग्राम है ना सिकवेंट फ्राइड का आई थिंक इट सुपर ईगो ईगो तो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन छोटा सा डायग्राम बनाया फटाफट देन क्रिटिकली डिस्कस तो चार पांच बेनिफिट चार पांच लिमिटेशन एंड देन अगेन कंक्लूजन में एक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल लिया कि यूज़ ऑफ थ्री सिक्सटी डिग्री फीडबैक एंड योगा मेडिटेशन माइंडेड प्रोग्राम है एक सोनी का वो उसे दीज द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेड्स कैन बी टेकन केयर ऑफ़ और इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने हैं वो आपके एग्जैक्टली पर्सनैलिटी ट्रेड्स का जो चैप्टर है जो आपके नोट्स होंगे उसी से की वर्ड्स उठाओ आप आप कोर सेल्फ इवेल्युएशन की बात करो सेल्फ एस्टीम की बात करो uh, डार्क ट्राइड होता है मेके वेलिनज नार्सिज्म साइकोपैथ दैन ओशियन है ओपनसाइटिसज उसके बारे में कुछ बात कर लो देन यू माइट टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर बाय डेनिस ऑर्गन तो वो चार पाँच पॉइंट लिखो प्लस में चार पाँच पॉइंट माइनस में थ्यूरी टाइप ए टाइप बी एम्प्लॉय की बात कर सकते हो एंड देन यूज देम एंड क्लोज द क्वेश्चन यूजिंग अ कार्पोरेट एग्जाम्पल और राइट मैन एट राइट जॉब वगैरह कुछ भी ऐसे कीवर्ड यूज़ करके उसे आप क्लोज कर दो देन वन डी एंड वन ई लार्जली काफ़ी हद तक सिस्टम्स अप्रोच पे इन्होंने पूछ लिया है सिस्टम्स अप्रोच अगेन डिट ओवर बैटिंग क्वेश्चन अपने सिलेबस uh, में दिया हुआ है सिस्टम्स अप्रोच इन कंटेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन अब एवोल्यूशन की बात करिए तो सिस्टम्स अप्रोच की डेफिनेशन लिखो और एक फ्लोचार्ट बना दो प्री क्लासिकल थ्योरीज क्लासिकल थ्यूरीज़ न्यू क्लासिकल थ्यूरीज उसके बाद बीच में बर्नाड और uh, वो भी आते हैं सोशल सिस्टम और uh, हावथन एक्सपेरिमेंट्स देन सिस्टम्स अप्रोच है सिस्टम अप्रोच के फीचर्स लिखो और एक यहाँ पे अगेन एक डायग्राम बन सकता है इनपुट और फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन आउटपुट प्रोसेसिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में उसके अब चार पांच फीचर्स लिखो चार पांच बेनिफिट्स एंड अगर स्पेस बचता है तो दो तीन लिमिटेशन नहीं तो एक लाइन में ही लिमिटेशन यू में राइट एंड दे इन द कंफ्यूजन यू कैन राइट दैट सिस्टम अप्रोच इज ऑफ एबस्ट्रैक्ट वैल कंटिन मीनिंग टू इट और मेक्स इट रियलिस्टिक एंड और यू मे आल्सो रेट दैट कंटिन्यूंसी अप्रोच इज एन ओफ श्यूट ऑफ सिस्टम अप्रोच बिकॉज देव सेट दैट इन द कंटेक्सट ऑफ एवोल्यूशन तो अगर आप कंक्लूड इससे और बेटर थ्यूरी से करोगे तो आई थिंक ये आपका पूरी एवोल्यूशन की स्टोरी कंप्लीट होती है वन ई अगेन मेन सिस्टम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस सिस्टम्स अप्रोच में ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब सिस्टम्स पढ़ते हैं बाई डिफरेंट थिंकरस कार्गोन एन हाउजेस कास्ट एंड रोजन बाइक एमरी एंट्रिस्ट तो उनमें से कोई भी दो दिन थिंक करके चार पांच सिस्टम उठाओ एक डायग्राम बनाओ पांच-छह सिस्टम्स को एक्सप्लेन करके ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस अगेन अपने बिल्कुल सिलेबस में है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन देन छः सात सिस्टम्स लिखे एंड देन इन अ स्मॉल पैरा ऑफ ट्वेंटी थर्टी वर्ड्स यू मस्ट राइट वी हैव डिसएग्रीमेंट और कॉन्करेंस ओवर द नंबर ऑफ सब सिस्टम्स दैट शुड बी इन एन ऑर्गेनाइजेशन और द इंटर ऑफ द और द हाउ टू मैनेज डिफरेंट सब सिस्टम्स वी कैन से देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरडिपेंडें पूल्ड रेसिप्रोकल सिक्वेंशियल तो वो भी आप कीवर्ड यूज करके उसके बाद यूजिंग द वेल थॉट आउट प्लान रिटर्न पॉलिसीज गुड लीडरशिप अगेन वही क्लासिक चीज़ें लिख के आप देख सकते हो कि सिस्टम अप्रोच कैन भी यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस क्वेश्चन टू राइट अभी शॉर्ट नोट अपने पूरे हो गए हैं अब टू ए की बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है टू माई ओपिनियन सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है एंड सिंस आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट तो इलेवंथ ट्वेल्थ की बिजनेस स्टडीज में भी हम सेंट्रलाइजेशन डी सेंट्रलाइजेशन हैंरी फॉल के प्रिंसिपल्स में पढ़ते थे सेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे ट्वेंटी मार्क्स का है ठीक है उसके बाद एक डायग्राम बन जाएगा सेंट्रलाइजेशन में आप क्या बनाओगे एक बड़ा सा सर्कल बनाओगे आसपास छोटे 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 सर्कल एंड यू विल शो की एरोज एमिनेटिंग फ्राम द सेंटर टू से सेंटर पर सारी पावर कंसेंट्रेटेड एंड दैट इज़ बींग गोइंग फ्राम टू डिफरेंट डायरेक्शन फ्राम सेंटर डी सेंट्रलाइजेशन में रिलेटिवलीवल साइज के सर्कल्स आप बना दोगे टू शो की पावर हैज़ बिन स्कैटर्ड आपने वो लिखा उसके बाद इट सेज़ इट कैन नॉट बी मेड इन आइसोलेशन नन इज़ गुड और बैड क्रिटिकली है क्रिटिकली वैल्यूएड मतलब प्लस और माइनस दोनों के लिखने हैं तो ऑलमोस्ट सेवेंटी एटी परसेंट ऑफ फर्स्ट पेज पे आपकी दो डेफिनेशन दो डायग्राम आ जाएंगे उसके बाद आपको सेंट्रलाइजेशन नन इज़ गुड और बैड पहले इसको टेकअप कर लेते हैं नन इज़ गुड और बैड मतलब ना ही दोनों प्योर अच्छे हैं ना ही दोनों प्योर बुरे हैं तो आप मैंने टेबल बनाऊंगा एक बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन डी मैरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन डी मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन तीन चार मेरिट्स तीन चार डी मेरिट्स देन मेरिट्स ऑफ डी सेंट्रलाइजेशन डी मेरिट्स ऑफ डी सेंट्रलाइजेशन जो डी मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन होंगे उसको इन्वर्स करके आप मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन में लिख सकते हैं जो मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन होंगे उसको रिवर्स करके आप डी मेरिट्स ऑफ डी सेंट्रलाइजेशन में लिख सकते हैं या इससे आपका सेकेंड पेज कंप्लीट हो जाएगा नाउ लेट्स गो टू थर्ड पेज ऑफ आर आंसर शीट ट्वेंटी मार्क्स में तीन पेज ही मिलते हैं अपने को अनलाइक द जी एस जहाँ पंद्रह मार्क्स के लिए तीन पेज मिलते हैं तो दैट सेव्स योर टाइम एंड हेल्प्स यू राइट द क्वालिटी कंटेंट तो इसीलिए ऑप्शन में क्वालिटी बिकम्स पैरामाउंट बिकॉज पेजेस कम हैं मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको क्वालिटी पे बहुत फोकस करना है सिर्फ क्वांटिटी से नहीं होगा थर्ड पेज पे जो हमने छोड़ा था कैन नॉट बी मेड इन आइसोलेशन कैन नॉट बी मेड इन आइसोलेशन का मतलब है कि इट डिपेंड्स अपॉन अ मिराड ऑफ फैक्टर्स तो अपने को वो फैक्टर्स लिखने हैं सात आठ फैक्टर्स लिख देंगे हम सेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर प्लांट है तो बहुत सेंट्रलाइज्ड होगा स्टार्टअप uh, है बहुत डिसेंट्रलाइज होगा गोल ऑफ दर्गनाइजेशन टाइप ऑफ लीडरशिप सिचुएशन एनवायरमेंट रिसोर्स अवेलेबल बहुत सारे साथ छः सात फैक्टर्स आप लिख के तो अपने सारी डायमेंशन एड्रेस कर दी एंड देन वी हैव टू गिव अ फ्यूचरिस्टिक वे फॉरवर्ड फिर दो तीन आप सोल्यूशन लिख सकते हो कि कैसे आप सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज को आप बैलेंस करो तो मेरी पगर फॉलेट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंकर्स हु सेज दैट लॉ ऑफ सिचुएशन शुड प्रिवेल कि सिचुएशन जिस हिसाब से है उस हिसाब से काम होना चाहिए और मे भी आप बर्नाड का भी लिख सकते हो एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात करते थे वो कि अथॉरिटी डज नॉट लाई विद द पोजिशन विच गिवस ऑर्डर इट इट लाइज विद द पोजिशन विच रिसीव ऑर्डर तो अब उन दोनों तीनों थिंकर्स की भी बात हो जाएगी एक डाइवर्सिटी भी आ जाएगी और एक आप उसको कंक्लूड भी हो जाएगा कंक्लूजन में फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये मैंने पता नहीं किसी बुक से ही ढूंढा था देर इज अ पर्सन कॉल्ड टॉम पीटर्स हु सेज दैट एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन आर बहुत सेंट्रलाइज्ड एंड डिसट्रलाइज तो बस वन लाइनर में आपको इंक्लूड करो मेरे ख्याल से इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता दिस यूज टू बी वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स तो मेरे को इस पर काफी अच्छा प्रिपेयर है कोजेज ऑफ डिस्टोरशन टू बी पे आ गई कोजेज ऑफ डिस्टोरशन इन परसेप्शन सजेशन फॉम इम्प्रूविंग परसेप्चुअल कैपेबिलिटीज टेन प्लस टेन का आपने दो पार्ट्स हो गए देन अगेन परसेप्शन के आप डेफिनेशन लिखोगे दैट द प्रोसेस ऑफ गिविंग मीनिंग टू द स्टिमुलस और द इन्वायरमेंट फिर आप इसमें वैल्यू वैल्यूर्ड क्या कर सकते एक परसेप्शन का ना एक चार्ट बना दो स्टिमुलस सेलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्रिटेशन आउटपुट आर बिहेवियर तो छोटा सा फ्लो चार्ट डेफिनेशन के बाद बन जाएगा इससे आपका एक आंसर भी लाइवली हो जाएगा और आपको वो चीज़ आती है जिसने भी परसेप्शन के बारे में पढ़ा है वो फ्लो चार्ट तो अपने को आता ही होता है बीस मार्क्स का है तो वी ऑलरेडी हैव एडिकेट स्पेस टू मेक दैट वो प्रोसेस बनाया देन कोजिज ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ परसेप्शन तो इसमें आप एरर्स uh, की बात कर सकते हैं साइड बायस स्टीरियोटाइप्स सेंट्रल टेंडेंसी और मे बी रिस्क एवर्जन बायस और हेलो एरर और सेलेक्टिव परसेप्शन और देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द इम्प्रेशन मैनेजमेंट बाई द पर्सन जिसमें वी से फ्लैटरी और बिना बात के किसी पे अपना अपना ब्लेम अपने पे लेना या अपने ही सेल्फ प्रमोशन करना ऑल दोज थिंग्स जो हमने पावर एंड पॉलिटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं वहाँ से भी यहाँ पे हम ला सकते हैं चीज़ें देन वी कैन राइट अबाउट फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल कि फिगर किसी के लिए ग्राउंड किसी के लिए तो परसेप्शन परसेप्चुअल एरर्स आर बाउंड टू हैपन डिस्टॉर्शन इज बाउंड टू हैपन फिर आप बात करें सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग वन मोर थिंग बीस नंबर का जो क्वेश्चन होता था, था, था ना आई ऑलवेज यूज टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि मैं uh, मैंने एक छोटा सा डब्बा क्रिएट करूँ उसमें एंड आई राइट कॉर्पोरेट एग्जाम्पल और केस स्टडी टाइप्स और बेस्ट प्रैक्टिस टाइप्स लाइक अबव सेट एग्जाम्पल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इसमें ना मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल अपना जरूर लिखता था कि यार कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस द सेंट्रलाइजेशन एंड डी इन अ वेरी एक्सक्सिट मैनर टू फोर्टी सिक्स एम या अलग अलग सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टेट और यूनियन को बट एमरजेंसी होगी तो सब कुछ सेंटर के पास चला जाएगा तो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल जिसमें हम बिल्कुल इस स्टेटमेंट में फिट बैठते हैं कि इट कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन नन इज गुड और नन इज़ बैड तो वो डब्बा बना के आप लिख सकते हो इसमें हम इम्प्रूविंग परसेप्चुअल कैपेबिलिटीज ऑफ मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी आप कोई भी एक डब्बा बना के जस्ट राइट एनी रेंडम थिंग आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है

ही फील्स लाइक कि ये बच्चों ने एक स्पेशल एफर्ट मारा है एक काफ़ी अच्छी नॉलेज है ये सिर्फ थ्योरेटिकल uh, और रो चीज़ें नहीं लिख रहा है टू माई माइंड आई थिंक दैट विल हेल्प एंड देट विल मेक यूर आंसर डिफरेंट फ्राम द अदर्स तो ये चीज़ अगर आप कर पाओ तो प्लीज़ पंद्रह बीस एग्जाम्पल ही अपने अलग से निकालो और उसी को हर एक में यूज़ करी जाओ हर टॉपिक के लिए अलग अलग एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है आई विल ट्राई कि जो मेरे पास एग्जाम्पल पड़े थे उसे एक फॉर्म में एक तरीके से लिख के मैं आपको आई हैव माई ओन टेलीग्राम चैनल वहाँ शेयर कर दूँ या मे बी गोइंग फॉरवर्ड डी के टी पर आप एक और वीडियो कर ली और वहाँ पर वो शेयर कर दें देन ब्रीफली रिव्यू हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन प्रोवाइड बेनिफिट्स टू दर्गनाइजेशन अब कॉन्फ्लिक्ट का अगेन क्लासिकल हमारा एक पूरा चैप्टर ही आता है और टर्मिनोलॉजी uh, मैंशन है हमारे सिलेबस में और कॉन्फ्लिक्ट uh, में आप पढ़ते हैं ये क्लासिकल ये व्यू था फिर ह्यूमन रिलेशन का क्या व्यू थान मॉडर्न व्यू इज कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट रियली डिस्ट्रक्टिव तो फिर इसमें एक अपना वो चार्ट सा बनता है लाइक यू नो बेल कर्व टाइप्स कि लो कॉन्फ्लिक्ट है तो इट शुड बी इंक्रीज मीडियम कॉन्फ्लिक्ट है तो मेंटेन ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है तो इट शुड बी रिड्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इज हाइएस्ट वैन द कॉन्फ्लिक्ट इज एट अ मॉडरेट लेवल तो आप हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन और कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन लिखो एमटाईजी उन्होंने किसी और की है लाइक लाइकट किया कॉन्फ्लिक्ट इज द डिटर्मेंट फॉर फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीवड लीड्स टू प्रकलूड्स टू दी नॉन अचीवमेंट ऑफ द प्रेफर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अदर पर्सन वो लिखो कॉन्फ्लिक्ट एक फ्लोचार्ट भी आप बना सकते हो लेट एंडविक लेट एंड फेल्ट मैनिफेस्टेड कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैं देन यू मे राइट अबाउट दिस सेवन एट बेनिफिट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड देन मेरी पाकर फॉलेट का नाम तो बहुत जरूर 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 लिखना है इसमें अपने को अगेन वन ऑफ माई फेवरेट थिंकर एंड शी यूज टू से कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्टैट ऑल पॉलिशिंग इज डन थ्रू फ्रिक्शन कि मतलब थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होगी तभी आपकी इनोवेशन तभी आपका न्यू वे ऑफ थिंकिंग आएगा और ग्रुप थिंक को आप ओवरकम कर पाओगे एंड देन शी यूज टू से कॉन्फ्लिक्ट शुड बी सॉल्व बाय इंटीग्रेशन तो उनका एक ट्राइंगल बनता है फॉलेट ट्राइंगल जिसे बोलते थे कॉम्प्रोमाइज़ इंटीग्रेशन डोमिनेशन ना कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए ना डोमिनेशन होनी चाहिए सिर्फ इंटीग्रेशन होनी चाहिए उससे अगर आप कंक्लूड करोगे आई थिंक कम से कम एक नंबर अपने को एक्स्ट्रा मिल जाना है और वो डायग्राम भी अपना बन जाएगा तो सेकेंड क्वेश्चन अपना इससे हो जाता है थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्यूरी वाई अ लॉट ऑफ वर्कर्स आर नॉट मोटिवेटेड एंड डू ओनली मिनिमम नेसेसरी आई थिंक बीस नंबर में तीन पेजेस में सिर्फ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है आ, बट अपने को खींच वींच के कर सकते हैं अगर अपने को बहुत फोर्थ क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से नहीं आता तो एक्सपेक्टेंसी थ्यूरी विक्टर विरूम एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वेलेंस की वो तीन चीज़ों की बात करता है थ्योरी के बारे में आधा पेज 75 परसेंट ऑफ फर्स्ट पेज आप लो थ्योरी को प्रॉपर एक्सप्लेन करो एंड देन तीन एलिमेंट्स को लेके एक्सपेक्टेंसी उसका मतलब लिखो कि लाइकली दैट माय एफर्ट्स विल लीड टू डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस उसका मीनिंग लिखो देन शो कि जब हमारी हम अपने एफर्ट पे कॉन्फिडेंट नहीं होते कि इससे हमें डिजायर्ड परफॉर्मेंस मिलेगी यानी कि हमें जॉब एम्बिग्विटी है अथॉरिटी नहीं है रिसोर्सेज नहीं है एम्प्लॉई नहीं मान रहे हैं अच्छा कल्चर नहीं है वो सब के कारण एक्सपेक्टेंसी में वो वो चीज़ें आप एक्सप्लेन करो एंड देन यू मे राइट एन एग्जाम्पल एंड देन एक या डेढ़ लाइन में सोल्यूशन के प्रॉपर जॉब एनालिसिस हो जॉब डिस्क्रिप्शन हो जॉब स्पेसिफिकेशन हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सेलेक्शन हो एच के भी आप यहाँ पे कॉम्पोनेंट सारे यूज़ कर लेने हैं तो उससे एक्सपेक्टेंसी ठीक हो सकती है जिससे मोटिवेशन बढ़ेगी देन सिमिलरली एक्सपेक्टेंसी के बाद इंस्ट्रूमेंटैलिटी इंस्ट्रूमेंटैलिटी के बाद बैलेंस इन तीनों को आप सिक्सटी सिक्सटी परसेंट में सिक्सटी परसेंट ऑफ अ पेज मैं एक्सप्लेन करूँगी सिक्सटी परसेंट में, में आप थ्योरी ले ली थी तो सिक्सटी परसेंट सिक्सटी परसेंट सिक्सटी परसेंट तो टू फोर्टी परसेंट हो गया टोटल अपनी लास्ट पेज का सिक्सटी परसेंट बचता है बस उसमें आप लिखो रिवाइज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बारे में जो शायद पोर्टर एंड लॉलर के बारे में थी उसने भी दो तीन लाइनें उस पर लिखो एंड देन हाउ टू मे बी ए कॉर्पोरेट एग्जाम्पल जैसे आप डब्बे की बात करते थे वो आप ले सकते हो कोई सोल्यूशन देना चाहते हो अलग से वो आप दे सकते हो नहीं तो बाकी चीज़ों को स्ट्रेच करके क्वेश्चन क्लोज कर दो अपने को हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अच्छे आंसर नहीं लिखने हैं पेपर भी बुरा हो 50, 60, 70 परसेंट बहुत ज़्यादा क्वालिटी का हो बाकी सब एवरेज हो अपना चलेगा तो टू माई माइंड मतलब हो सकता है मुझे नहीं आता तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इसमें कम लिखो तो अपना इसको चला सकते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में जो मैंने फर्स्ट मेंस लिखा था तो मैं ऐसे बहुत टाइम खराब करता था कि जो नहीं आता तो उसी पर ही एफर्ट मारे जा रहा हूँ कि और निकालने का इतने में जो आते हैं उसके लिए ही टाइम नहीं बचता टू बी कल्चर डायरेक्ट अपने सिलेबस में कल्चर लिखा हुआ है और ये डेफिनेशन भी बहुत क्लासिकल डेफिनेशन है कल्चर की इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बताने अपने को कल्चर के और इन्होंने डिवीजन भी दी हुई है सिक्स मार्क प्लस सेवन मार्क प्लस सेवन मार्क तो मतलब तीन पेज हैं अपने तीन एक एक डायमेंशन एक एक पेज पर पे आएगी पहले पेज पर अपने को कल्चर की डेफिनेशन लिखेंगे और ना कल्चर जब भी आए ये तो मतलब यू टेक इट एज योर थम रूल तो जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दिखे एक वो आइसबर्ग जरूर बना देना आइसबर्ग वाला डायग्राम होता है अपना एक कल्चर वाला एज्पशन बिलीफ्स नॉर्म्स पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर सॉल्यूशंस तो एजम्शन नॉर्म्स पैटर्न ऑफ़ बिहेवियर ये अपने इनविजिबल कॉम्पोनेंट बनेगा और सिर्फ जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं तो ऐसे वाला आइसबर्ग बना सकते हो आप छोटा सा पेंसिल से और डब्बा बना दो देन एक्सप्लेन दिस फोर फाइव थिंग्स क्योंकि ये छः नंबर का है बिलीव्स एजम्पन्स वैल्यूज नॉर्म्स इसको एक एक में एक्सप्लेन किया और एक वो एग्जाम्पल दे दी अगर मान लो आपको बिलीफ की बात करनी है तो आर्मी की बात करो और वैल्यूज़ की बात करनी है तो सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ जी एस फोर में अपन नोलन कमेटी पढ़ते हैं एक दो वैल्यूज़ वहाँ से चिपका दो नॉर्म्स की बात करते हैं तो मे बी यू कैन टॉक ऑफ आर सोसाइटी से कुछ उठा लो कि एक नॉर्म है एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे बिग फोर्स में क्या होता था ईयर एंड ब्रेक होती थी दस दिन की ब्रेक मिलने मिलनी है या मे बी ओपन डेस्क पॉलिसी होती है सीई भी आपका डेस्क पर बैठा है तो मतलब ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू मे यूज़ देन पॉजिटिव इंपैक्ट पांच छह पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत आसानी से लिखे जा सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पांच छह चीज़ें आप लिखो उसमें पांच छह पॉइंट्स एथनोसेंट्रिसिज्म रिचुअलिज्म स्टेरियोटाइप्स फोकस ऑन एंड्स रादर देन मीन्स और uh, uh, आप मर्जर इससे रुक जाते हैं तो बाई कल्चरल ऑडिट्स होते हैं ये भी अपने एक टॉपिक है तो वॉलार्ट और एयरटेल का मर्जर कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से ही रुका था एंड देन कल्चर होते हैं तो लॉ सूट्स भी आ सकते हैं अभी तीन चार दिन पहले ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है इन्फोसिस के अगेंस्ट लॉ सूट हुआ है ऑफ ड्यू टू इट्स एलेजेड बायसनेस ये यू में हुआ है तो ऐसे की एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ये आपका हो जाएगा पूरा देन फ्रेडियन स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट यहाँ अपने को पता लगता है प्रीवियस ईयर्स की वैल्यू दो uh, हज़ार में बिल्कुल डिटो 10 नंबर का शॉर्ट नोट आया फ्री स्टेजेस तो अगर किसी ने वो पढ़ी है उसका सोल्यूशन निकाला है तो यहाँ काम सेट हो जाएगा 90 परसेंट बच्चों को नहीं आता होगा जिसको आता होगा ही विल पास थ्रू तो सिगमेंट फ्राइड फ्राइडे के आप दो तीन लाइन में थ्योरी लिखो सिगमेंट फ्राइडे सेट की अनकॉन्शियस चीज़ों से पर्सनैलिटी डिटर्मिन होती है रादर देन जस्ट कॉन्शियस देन सुपर इट इट ईगो सुपर इट सुपर ईगो इड ईगो वो अगेन आइसबर्ग वाला डायग्राम देन फाइव स्टेजेज ओरल एनल फेलिकलेटेंट uh, और एक और है आइटल पाँच स्टेजेस दो दो लाइन में लिखो एंड देन प्लीज राइट टू टू थ्री लाइन्स में इसकी लिमिटेशन ऑल्सो इट इज सेट दैट फ्राइड फोकस टू मच ऑन द मेल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या कुछ स्टीरो टाइप्स भी थे उसके इसमें वो दो तीन पॉइंट लिखो एंड देन कंक्लूड विद द अदर थ्यूरीज ऑफ पर्सनैलिटी ये तो अपनी कॉग्नेटिव थ्यूरी थी उसके बाद पर्सनैलिटी थ्यूरीज आई ह्यूमनिस्टिक ह्यूमनिस्टिक थ्यूरीज आई बिहेवियरस थी अपना रियासेक्ट uh, मॉडल है सिचुएशन स्ट्रेंथ थ्योरी है ट्रेड एक्टिवेशन थ्योरी है देन क्रिस इस बोलते हैं कि सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन uh, के बारे में तो उनसे बात करो कि सिर्फ अपने ब्रेन से नहीं सिर्फ अपनी सोच से नहीं अपनी सिचुएशन से भी डिटर्मिन होती है कि हाउ आर पर्सनैलिटीज एक दो लाइन में यू मे राइट दैट अगर अपने को स्पेस और टाइम बचता है तो डी के टी यू पी एस एस अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डी यू पी चैनल यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए तो तीन क्वेश्चन हमने कर अब दो क्वेश्चन में आई सेगमेंट से डिस्कस करूंगा बी से एच आर में बहुत ज्यादा जेनरिक क्वेश्चन थे और एक जनरल फ्रेमवर्क आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एच और आई में डेवलप कर लेते हो दैट हेल्प्स यू गेट थ्रू बहुत ज़्यादा एफर्ट मैं ओ टी में मारता था एच आर में बहुत कम मारता था एच आई आर में रादर मैंने बस एक ही पेज प्रिपेयर किया हुआ था मतलब सात आठ पॉइंट्स एम्प्लॉई के मतलब आई का कोई भी क्वेश्चन आए तो ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉई देन एम्प्लॉयर देन गवर्नमेंट इन तीन के परस्पेक्टिव से इन तीन में जरूर डिवाइड करना है अपने हर क्वेश्चन को इससे अपने को मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाते हैं मल्टीपल की मिल जाते हैं और क्वेश्चन भी जल्दी पूरा होता है और एच आर एम में अपना प्रोसेस को याद रखो रिक्रूटमेंट सेलेक्शन ओरिएंटेशन इंडक्शन डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल कंपनसेशन और उसके बाद आपका आर से रिटेनिंग तो जब भी कोई क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता तो बस इन पैरामीटर्स पे सोचो सबसे एक एक पॉइंट लिखता जाओ आई विल शो यू हाउ दिस कैन बी यूज्ड इन दीज क्वेश्चंस पहला तो फाइव ए ट्रांसफर और प्रमोशन डिमोशन का डिफरेंस वेरी इजी पर्पस ऑफ रिजोर्टिंग टू ट्रांसफर आई थिंक दिट इज अ प्लेन सिंपल क्वेश्चन अगेन फोर इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स ऑफ 360 डिग्री फीडबैक वो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 360 डिग्री फीडबैक वर बैटिंग अलग से अपने सिलेबस में लिखा हुआ है अगर इसके बाद भी अपने पास अगर वन पेजर इसका प्रिपेयर नहीं है और अपने को ये दस नंबर का आंसर अगर आप छः मिनट में नहीं लिख पा रहे सो आई थिंक वी नीड टू रिफ्लेक्ट कि वी है ना जैसे उसमें पढ़ते हैं देरी गोल्ड डिस्प्लेसमेंट जो करना है वो कर नहीं रहे हैं जो नहीं करना मतलब द कोचिंग मटीरियल और द हम जो भी मटीरियल uh, किसी का भी पढ़ते हैं दैट इज अन्स टू दिस एग्जाम और अ मीन्स टू द सिलेबस नॉट द एंड इट सेल्फ अपना उसी कोट्स बना लेते हैं और अपने सिलेबस को भूल जाते हैं तो दैट वुड बी माई रिक्वेस्ट टू यू कि अपने सिलेबस की तो एक एक टर्म पहले करो उसके बाद बाकी चीज़ों को हाथ लगाओ एक्सेसिव टर्न ओवर इज नीदर इन इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन लेबर टर्न ओवर की डेफिनेशन लिखो उसका एक एग्जाम्पल भी दे दो कि लेट से एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वन थाउजेंड एम्प्लॉज हंड्रेड एम्प्लॉज लेफ्ट ड्यूरिंग एन ईयर दैन मीन्स इट हैज एन लेबर टर्न ओवर ऑफ टेन परसेंट नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर भाई बार बार हायर करने पड़ेंगे खर्चा होगा ट्रेन करना पड़ेगा पोचिंग हो जाएगी ट्रेड सीक्रेट्स बाहर जाएंगे बिग फोर की कोई एक्जाम्पल लिख दो ब्रांड वैल्यू इफेक्ट होती है इन नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेबिलिटी इंपेक्टेड है रिलायबिलिटी इंपेक्टेड है ही माइट फेस अ कल्चरल बायस है ना नई जगह जाएगा सेटल नहीं, नहीं हो सकता वर्क लाइफ बैलेंस क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ऑल दस थिंग्स गेट इम्पैक्टेड एंड देन यू मे राइट वन और टू सोल्यूशन हाउ टू एंश्योर दैट लेबर टर्न ओवर इज मैनेज एट ए डिसेंट लेवल दैन एसेंशियल कंडीशन फॉर कंजीनियल इंडस्ट्रियल रिलेशनस एग्जैक्टली अपने जो आठ टॉपिक हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के उससे एक एक दो दो पॉइंट लिखो द क्वेश्चन इज सॉटेड एक आप लिखोगे ट्रेड डिस्प्यूट जब भी हो तो फिर रादर दैन गोइंग टू आर्बिट्रेशन और एडोडिकेशन गो टू कंसिलेशन है गुड पीस कमिटीज़ इन साइड दर्गनाइजेशन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इंड मैनेजमेंट होनी चाहिए कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी चाहिए रिकग्गनीशन टू ट्रेड यूनियन होनी चाहिए एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के परस्पेक्टिव से ये हो गया एम्प्लॉई के परस्पेक्टिव से स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए अच्छा काम करो देर शुड भी मैंटल रेवोलूशन देर शुड गो फॉर इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देर शुड भी नो पोलिटिसन देर शुड भी रैंक एंड फाइल लीडरशिप और गवर्नमेंट शुड स्टूडेंटोर की जो एक दो कन्वेंशन हैं हमारी वर्कर्स पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट की वो हमने साइन नहीं करी है वो साइन वाइन कर लो फॉर्टी थ्री ए है वर्कर्स पार्टिस अगेन डब्ल्यू पी एम का ही है उसका एक्ट वैक्ट बना दो तो बस ऐसी चीज़ें लिख के इसको क्लोज कर दो रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ आयर मैनेजर्स अगेन प्लेन सिंपल क्वेश्चन उसकी गवर्नमेंट के प्रति क्या क्या है एम्प्लॉई के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपनी मैनेजमेंट के प्रति क्या रिस्पांसिबिलिटी है राइट थ्री थ्री फोर फोर पॉइंट्स एंड यू आर सॉर्टेड फॉर दिस आई नो मतलब ऐसे मैं कह रहा हूँ कि यू आर शॉर्डेड फॉर दिस दिस मेट लुक ईजी बट टू माई माइंड अगर आप बार बार इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग इट इवेंचुअली वी विल डेवलप दैट काइंड ऑफ कम्फर्ट ऑन दिस और एच आर एम आई आर आई अगेन रिक्वेस्ट कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था इसमें ओ टी ओ बी भी बहुत किया था एंड ओ टी ओ बी वाले बहुत पॉइंट्स यहाँ ही यूज़ हो जाते हैं हेयर यू जस्ट नीड टू बी रेडी फॉर टेन मार्कर्स और uh, जितना कंटेंट करो ट्वेंटी में अपने आप एक्सपेंड हो जाता है एंड आई ऑलवेज मेड अ पॉइंट कि मेरे को तीन क्वेश्चन ओ से ही अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन बी से ओनली दो ही अटैम्प्ट करने हैं कुछ भी हो जाए मैं ओ इतना अच्छे से प्रिपेयर करता था बिकॉज एच में देर इज नो लिमिट ओ टी का बहुत सारे थिंकर्स बहुत सारे डायग्राम बहुत सारे एग्जाम्पल्स आर अवेलेबल इंडस्ट्रियल रिलेशन में वैल्यूड मटीरियल ढूंढना इज रिलेटिवली वेरी डिफिकल्ट सेवन क्वेश्चन ले रहा हूँ अब मैं सेवन ए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज प्री रिक्वेस्टेड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एनालाइज सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब प्योर खींचने वाली बात है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की सिग्निफिकेंस आप उस एक पेज में लिखो दो में लिखो तीन में लिखो एक डेढ़ पेज तक तो अपने बस क्वालिटी कंटेंट होगा बाकी खींचने वाली बात है सो व्हाट यू कैन डू हेयर इज आधे पेज में पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन लिखो एक आधी एग्जाम्पल बनाओ उसके कंपोनेंट्स लिखो कि जॉब ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस है फिर अपना डिमांड वो है एनालिसिस है सप्लाई हम करते हैं फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लान बनते हैं उसके बारे में लिखो एक फ्लो चार्ट बना दो ठीक है फिर उसके बेनिफिट लिखने हैं फिर रिक्रूटमेंट के लिए क्या बेनिफिट होंगे सिलेक्शन में क्या बेनिफिट होंगे ओरिएंटेशन में क्या बेनिफिट होंगे अप्रेजल के टाइम क्या बेनिफिट होगा एम्प्लॉयर के लिए क्या बेनिफिट है ओवरऑल गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट है ऑल दोज थिंग्स यू कैन राइट एंड गेट अवे विद दिस क्वेश्चन अगेन मेरा एच आर एम आई आर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था तो आई डोंट नो अ लॉट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं तो ऐसे ही करता हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगेन रिक्रूटमेंट प्रोसेस की ये, ये इंपॉर्टेंस एंड देन मेथड्स पूछ रहा है हाउ टू इंप्रूव द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन आ जाएगी एक आधा कुछ आप करके दिखा दो कि टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक फ्लो चार्ट बना दो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ओरिएंटेशन वो वाला एक छोटा सा फ्लो चार्ट बन जाएगा देन ऑफन स्ट्रेनस टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव तो टाइम कंज्यूमिंग और स्ट्रेनस को आप इकट्ठा करके तीन चार पॉइंट्स यहाँ लिख सकते हैं कि वाइड वैरायटी ऑफ पूल इंप्रेशन मैनेजमेंट बाय एम्प्लॉयज़ टाइम इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स हायर करना पड़ेगा पॉलिसीज़ बनेंगी फिर रिक्रूटमेंट यील्ड पिरामिड होती है हम रिक्रूटमेंट कितने लोगों ही करते हैं सेलेक्ट कितने होते हैं आते कितने हैं एंड देन सब्जेक्टिविटी बायसेज वो सात आठ बायसेज हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स में हम पढ़ते हैं कि इंप्रेशन मैनेजमेंट हो गया हेलो हेलोवेर हो गया सिलेक्टिव परसेप्शन हो गया और एक वो होता है ना कि हम फर्स्ट इंप्रेशन से ही जज कर लेते हैं वो चीज़ें लिख सकते हैं मेथड्स बाय विच वी कैन इंप्रूव इम्प्रूव ऑब्जेक्टिविटी अब यहाँ पे आप मेथड्स दो तीन लेकिन एक अगेन यहाँ वो बेस्ट प्रैक्टिस वाला डब्बा बन सकता है कि एनी एक्स वाई जी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखो और लिखो कि दे यूज़ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ वीडियोग्राफी ऑफ इंटरव्यूज टेस्ट ऑफ वैलिडिटी और टेस्ट ऑफ कंटेंट वो सब यूज़ करते हैं विच ड्यू टू विच देयर टर्न ओवर इज लेस एंड रिक्रूटमेंट इज इफेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फिर बाकी मैथड्स आप रिक्रूटमेंट को ऑब्जेक्टिव कैसे बना सकते हो टेलर को यूज़ करो कि रिटर्न डाउन पॉलिसीज हों देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड सेलेक्शन करो अलग अलग टेस्ट्स लो अलग अलग स्टेजेस हो जैसे अपने यू का अभी आप इसमें हो ना बेस्ट प्रेक्टिस में लिख सकते हो पहले प्री होगा उसमें आप ऑब्जेक्टिव रहोगे मेथ्स में आप सब्जेक्टिव आओगे प्लस ऑप्शनल दोगे एंड देन यू विल गो फॉर अंटरव्यू वी आर इट विल भी हेडेड बाई फाइव पैनल्स टू रिड्यूस दी सब्जेक्टिविटी

द बार्गनिंग पावर ऑफ लेबर हैज इंक्रीज विच माइट समटाइम्स फील ओवर टू स्ट्राइक्स और इंडस्ट्रियल एक्शन एंड द कॉस्ट ऑफ लेबर हैज इंक्रीज ड्यू टू मिनिमम वेजेज लॉज और द इंटरवेंशन ऑफ आई एल ओ हैज इंक्रीज वो सब लिख के अपना इसको कर सकते हैं तो आई थिंक uh, जितना विद इन द गि टाइम फ्रेम आई कुड हैव शेयर्ड आई हैव गिवन माई हंड्रेड परसेंट बाकी स्टिल यू मे हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज एंड यू मे हैव अ लॉट ऑफ कंसर्नस प्लीज फील फ्री टू आस्क एंड आई विल ट्राई कि अगर आप पेपर वन की भी बना सकें या प्रीवियस ईयर्स में से पेपर टू की किसी और ईयर की बना पाएँ एंड आई विल ट्राई टू शेयर माई नोट्स एंड द एग्जाम्पल्स लाइक वी डिस्कस्ड एंड वट एवर आई हैव विद मी विद यू ऑल पीपल आई हैव स्टार्टेड टेलीग्राम ग्रुप रिसेंटली तो हुए हैज एनी कंसर्नस और वॉन्ट्स टू सी दोज नोट्स प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो टू जॉइन दैट टेलीग्राम ग्रुप एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आगे आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो आई होपे दिस वीडियो हैज़ बीन ऑफ हेल्प टू यू थैंक यू सो मच Uh, for watching this video. Thank you.